बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपको वेलकम कहती है। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन करेले जी। चिकन करेले बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो लिए हैं करेले, और इनको मैंने अच्छी तरह पील ऑफ किया, ठीक है। और ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। पील ऑफ करके क्या, 1 घंटा मैंने नमक लगा के रखा था, खुश्क हो गए अच्छी तरह। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा काम किया था इसमें। मैंने चिकन लिया 1 किलो। सबसे पहले 1 कप मैंने लिया है ऑयल। ऑयल में मैंने चीज़ें ऐड की, ज़ीरा, लौंग, और फिर चिकन ऐड कर दिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून। और दूसरी तरफ करेले हमारे फ्राई होते जा रहे हैं, और चिकन हमने इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, इस तरह का कलर आना चाहिए, ठीक है। ये कलर जब आ जाए तो इसमें हम फिर ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 से 3, इसको मैंने कटिंग कर लिया चॉप करके, और बारीक बारीक काट लिया हरी मिर्चों को। अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनेंगे। और ये रेसिपी बड़ी यूनिक और डिफरेंट होगी जी। अब हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, उसके साथ ही पिसा हुआ धनिया जो है वो मैंने डाला है 1/2 टीस्पून डालेंगे हम ऐड करेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। 2 टेबल स्पून भर कर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और इसके साथ ही साथ ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और जब नमक ऐड करना है ना, नमक ऐड करते वक्त ख्याल रखिएगा, जब मैं नमक ऐड करूँगी आपको बताऊँगी ख्याल क्या रख रहे हैं। करेले में नमक भी है क्योंकि नमक लगा के हमने रखा था, वो पानी खुश्क हो गया, जब अच्छी तरह धोए खुश्क हो गया ना, तो फिर इसमें नमक मौजूद होता है फिर भी थोड़ा सा, तो वो ख्याल रखते हुए आपने नमक हिसाब से डालना है, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इसको देखिए हमने अब मिक्स कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया हमारा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और साथ साथ हमारे करेले भी फ्राई होते जा रहे हैं, ठीक है। इसकी लुक ही बता रही कितना मज़े का लग रहा है। नमक अब देखिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हालांकि 1 किलो चिकन है, 1.5 किलो करेले हैं, लेकिन हमने क्या ख्याल रखना है, करेलों में भी नमक होता है, उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम इसको अब करते हैं कवर, लेकिन इससे पहले, कवर करने से पहले इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन हम 1/2 कप लेंगे, और अच्छी तरह से डालकर हम मिक्स कर लेंगे दही को, और इसको कवर कर देंगे हम 5 से 7 मिनट तक, ताकि हमारी ये बहुत मज़ेदार से चिकन फ्राई हो जाए। चिकन को भी तो अच्छी तरह फ्राई होना चाहिए ना, ये कवर कर देंगे हम, ठीक है जी। कवर हो गया जी, तो 6 से 7 मिनट जी, 5 मिनट हो गए उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, देख लें आप कितनी ज़बरदस्त लुक है, क्या शानदार लुक आई है। अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, टमाटो तैयार हो गए, मैश होकर उसमें मिक्स हो गई, ठीक है। अब वहाँ करेले हमारे फ्राई हो गए, एक निकाल लिया में, यानी कि थोड़े से करेले फ्राई हो गए, बाकी बारी बारी करते जा रहे हैं, सारे फ्राई हो गए, फिर हम इकट्ठा काम करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक और बर्तन लेंगे अलग से, ठीक है। ये हमारी चिकन रेडी होगी, अलग बर्तन लेंगे। इसमें मैंने 1/2 कप बस ऑयल लेना है, क्योंकि 1 कप हमने चिकन में ऐड कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लेंगे। और अब इसे क्या करना है, इसके अंदर मैंने 1/2 किलो स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करना है, लेकिन उससे पहले प्याज ऐड करना है, ऑयल गर्म हो जाए। प्याज मैंने लिया है 1/2 किलो, 2 टेबल स्पून भर कर करेलों में प्याज ना हो, मैंने लिया है अनारदाना। अनारदाना बहुत ही मज़ेदार टेस्ट कर देता है करेले में। इसको मैंने क्या किया, पहले अनारदाना 2 टेबल स्पून कूटना जरूरी है, ब्लेंड नहीं करना, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा जब कड़कड़ाने लगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे, 1/2 किलो प्याज लिए मैंने, और ये जब कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसमें
प्याज ऐड कर देंगे जी, और उसके साथ तो ही आधा किलो प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को इतना प्याजों को जस्ट हमने नरम करना है, सॉफ्ट करना है, कलर आ जाए, खड़े खड़े रहिए प्याज रेडी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम प्याज को कर लेंगे ब्लेंड, प्याजों को इस तरह नहीं रखेंगे, ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए प्याज पिंक कलर हुआ और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में, और अब हम इसको 5-7 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। ये देखिए, और ये मिक्सचर हमने इस चिकन में अब ऐड कर देना है। ये प्याज वाला मिक्सचर हमने इस चिकन कढ़ाई जो बर्तन में है, चिकन वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सारा मिक्सचर इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ये ऐड हो गया और हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 7 मिनट के लिए। कवर हो गया जी, 7 मिनट हो गए हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त मिक्स हो गया, लग ही नहीं रहा है कि उसके अंदर इतना मिक्सचर ऐड हुआ है। आपने ऐसा नहीं देखिए, मैंने बहुत डिफरेंट यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, ये बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट करने हैं, ठीक है। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे, मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। और ये देखिए हमने सारे करेले ऐड कर दिया, और इस तरह का कलर आना चाहिए, करेलों को फ्राई इतना करेंगे इसका ये कलर आ जाए, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसको दम की कंडीशन में रखेंगे तकरीबन 7-8 मिनट, ताकि जो करेले हैं, चिकन है, ये प्याज सारों का टेस्ट मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टेस्ट आ जाए। तो अब मैं डिश आउट करके आपको बताऊंगी 7-8 मिनट के बाद जी। तो 7-8 मिनट हो गए, देखें आप कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हुई है, इसकी लुक बता रही, यकीन जानिए ये मैं नहीं कहती, आप जब खुद बनाइएगा ना, सेम टू सेम आपने ऐसी बनानी है। जब आप ट्राई कीजिएगा फिर आप कहेंगे वाकई ऐसी बात है। लेकिन कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है कि प्याज वैसे ही, हर चीज़ वैसे ही स्टेप फॉलो करने, ठीक है जी। तो हर स्टेप फॉलो करने से ही ये होता है कि टेस्ट अच्छा आता है। और दोस्तों आप मुझे दें इजाज़त इस अपने पन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।